नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। मैं दिल्ली से लगातार पटना में जा रही हूँ। यहाँ पे जो है भरत कुंड सरोवर है और यहाँ पे कल एसडीएम साहब जी आए थे। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे जो है पहले काफ़ी गंदा हुआ करता था, आज जो है बहुत ही सफा है। और कल यहाँ आरती बहुत ही जोर शोर से था और लोग यहाँ काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हुए थे। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, देखिए आप यहाँ क्या देख रहे हैं। हमारे जो है ये सरोवर है, मानसरोवर जिसे कहते हैं। आप देखिए भरत सरोवर जी है और यहाँ पे मेले भी लगते हैं। कम से कम कितने दिन लगभग यहाँ मेले लगते होंगे? लगभग जी ये हमारे ये क्या नाम सब जी आपका? हमारा नाम पशुपति चौधरी जी। बस जी आप बताइए यहाँ की क्या स्थिति है, क्या आप साफ सफाई के बारे में यहाँ पे जो गेम कल आए थे आपने यहाँ थी? हाँ। तो आपको कैसे लगा यहाँ पे? यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, यहाँ साफ सफाई बहुत है। जी जी पहले से यहाँ जो प्रधान जी हैं उन्होंने ये सब कराया यहाँ पे कार्यक्रम। एस डी एम जी को वही बुलाए थे, उनका स्वागत। लगभग एस डी एम जी कब कितने बजे आए थे? हाँ यहाँ 4:30 बजे 4:30 बजे आए थे। बहुत अच्छा लगा। हाँ काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हुए थे, यहाँ भीड़ इकट्ठा हुए थे। जी जी सारे लोग उनका स्वागत किया। तो आरती कहाँ पे? आरती यहीं पर हुआ नीचे। अच्छा अच्छा ये पहले बहुत गंदा हुआ करता था। ये साफ सफाई सब हुआ पूरा, इधर कार्यक्रम कल यहाँ पे हुआ। पानी यहाँ पर पड़ी है। चौदह वर्ष पूर्ण हुआ श्री राम जी का, तो हनुमान सहित और अपनी पूरी सेना सहित वापस आए, अयोध्या में राजगद्दी को प्राप्त किया। भाई भरत जी भी साथ में हो लिए, आनंद मंगल होने लगा। उसके बाद नंदीग्राम में उसी समय से लोग बताते हैं कि यहाँ फिर प्रतिवर्ष शायद कृष्ण पक्ष 14 को जो है प्रतिवर्ष यहाँ मेला लगता है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कानपुर लखनऊ दूर दूर से दुकानें आती हैं और यहाँ के लोकल लोग भी अपनी दुकानें चलाते हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं ये भव्य सरोवर जो है, यहाँ साफ सफाई और इसको जो है मुख्य पर्यटक स्थल से जोड़ दिया गया है। और हाँ एक बात और है, यहाँ लोग पौष के महीने में पिंडदान भी करने आते हैं अपने पितरों के प्रति। पौष माह में आते हैं लोग यहाँ पिंडदान करते हैं, कृष्ण पक्ष में आते हैं अपने पितरों को जो है पिंडदान करने। फिर इसके बाद यहाँ से लोग अयोध्या वगैरह जाते हैं। और यहाँ एक भारतीय इंटर कॉलेज भी है और संस्कृत विद्यालय है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो तीन मंदिर भी हैं। हाँ और भरत जी यहाँ भी है जहाँ भरत जी बैठ करके अपना वो तप किया करते थे। चलो आपको फिर भरत जी की कुटिया तक ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि भरत जी यहाँ बैठ करके तप वगैरह किए थे। आज सुबह टाइम जांच पड़ताल के लिए चालू है। आज हमारे साथ पूरी टीम चली हुई है और यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि हमारे साथ राजेंद्र जी हैं, श्री बकर जी हैं और लालचंद सोनी जो कि आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे भरत कुंड है, यहाँ पे जो है एक महीने 15 दिन के लिए यहाँ पे मेले भी लगते हैं, तीर्थस्थल भी है। और यहाँ पे अभी कल जो है SDM साहब आए थे और यहाँ पे साफ सफाई के बारे में भी काफ़ी जायजा लिए हैं। और कल आरती का भी मिशन रहा है, आरती भी हुआ है 4:30 बजे 5 बजे के बीच में। और ये इसके बारे में सरोवर जिसे कहते हैं सरोवर, जो कि यहाँ पे लोग नहाते हैं, बीमारियाँ भी दूर होती है लोगों का। और आप जो है देख सकते हैं ये काफ़ी स्थल है। यहाँ पे आज तो भीड़ नहीं है, आज तो ऐसा लग रहा है कि छुट्टी का दिन है। बाकी
हाँ राविंदर जी, आप ये बताइए यहाँ पे कल क्या क्या हुआ है जो आप बता सकते हैं। जी सर, कल यहाँ कल डीएम साहब आए थे फैजाबाद से हमारे, ये क्या कहते हैं व्रत महोत्सव मनाया तो जा रहा था काफी दिन से, लेकिन आरती की शुरुआत जो है कल डीएम साहब आकर के शाम 4:30 बजे 4:45 बजे के लगभग आरती का प्रोग्राम किया है, क्योंकि अब नित्य शाम को श्री भरतपुर नंदीग्राम जिसको पूर्व नाम है जी जी, नित्य जो है शाम को आरती रोजाना जो है हुआ करेगी। और पौराणिक कथाओं में लिखा गया, रामायण में भी लिखा है कि भरत जी की तपोस्थली है, भगवान श्री राम जी जब 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे तो महाराज भरत जी जो थे उनके छोटे अनुज भरत जी यहाँ आ करके नंदीग्राम में 14 वर्ष तक तप किया है। यहाँ हम आपको उनके तपोस्थली भी दिखा सकते हैं जहाँ खड़ाऊ चरण पादुका रख करके उन्होंने अपना 14 वर्ष तक क्या कहते हैं तपस्या किया। उसके बाद ही आपको सरोवर जो हम दिखा रहे हैं, सरोवर जो दिख रहा है इसके बारे में बताया जाता है कि हनुमान जी जिस समय लक्ष्मण जी को शक्ति भाव लगा था उस समय हनुमान जी इसी रास्ते से गए थे वो पर्वत पे संजीवनी बूटी लाने के लिए, तो भरत जी यहाँ तपस्या कर रहे थे, तो आवाज सुन करके उन्होंने सोचा कि कोई जो है अटैक करने जा रहा, चढ़ाई करने जा रहा हमारे भाई पे, तो भरत जी ने बाण मारा और वो पहाड़ लिए हुए हनुमान जी राम राम कहते हुए ही गिर पड़े। गिरने के बाद फिर क्या हुआ, यहाँ एक सरोवर चल गया। उसके बाद फिर भरत जी से और हनुमान जी से वार्तालाप हुई, के बाद बताया उन्होंने कि मैं तो राम जी का सेवक हूँ, तो उन्होंने भी अपना परिचय बताया कि मैं उन्हीं का भाई भरत हूँ, भरत यहाँ तपस्या कर रहे हैं, भाई कहिए आप कैसे भरत जी हैं, तो कैसे हमारे बड़े भाई राम जी सीता मैया और वो हमारे छोटे अनुज लक्ष्मण जी की क्या हाल चाल है, चलो तो बहुत अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई और हमारा संदेशा भी उनको पहुँचाना बताना कि आपके भाई भरत जी जो है वहाँ नंदीग्राम में आपके खड़ाओं को रख करके आपके लौटने का इंतजार कर रहे हैं कि कब 14 वर्ष पूर्ण हुए और हमारे राम जी माता सीता सहित और भाई लक्ष्मण सहित वापस अयोध्या में आकर